नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर का एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। आज दिनांक 19 जुलाई को स्थानीय कलेक्ट्रेट परिषद में वित्त विहीन प्रबंधक संघ के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया और रैली निकाली गई। वित्त विहीन पब्लिक संघ ने जिला अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें वित्त विहीन प्रबंधक संघ के लोगों ने सरकार से यह मांग की कि उनके प्रबंधक आज जो भुखमरी के कागार पे हैं, जो दूसरों को रोजी रोटी दिया करते थे, आज खुद के लिए दाने दाने को मोहताज हैं, तरस रहे हैं। यह सरकार जो श्रमिकों की मजदूरी की सबकी मदद करती रही है, और सरकार से यह मांग की गई कि वह प्रबंधकों को यो उनके अध्यापकों को कम से कम 5,000 प्रति महीने की आर्थिक मदद करे, साथ ही साथ उनके बिजली के बिल को माफ़ करे और उनके द्वारा जो गाड़ियां किस्तों पर ली गई हैं उन किस्तों का ब्याज माफ़ किया जाए। फिटनेस परमिट आदि कम से कम स्कूल खोलने के 6 माह तक की फ्री क्रिया किया जाए, ताकि विद्यालय प्रबंधक संघ फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त कर सके। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता है तो शिक्षक संघ यह मानेगा कि यह सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, और कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इसके बाद मजबूर होकर के 31 जुलाई से प्रबंधक संघ अपने परिवार या अध्यापकों और उनके बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। किस पद पे हैं और क्या मामला है जो कलेक्ट्रेट आए हैं? हम उत्तर प्रदेश वित्त विहीन प्रबंधक कल्याण समिति से, मैं प्रदेश संरक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ, राजकुमार जायसवाल मेरा नाम है। आज जो कलेक्ट्रेट में हमारे सिद्धार्थ नगर यूनिट से भाई लोग इकट्ठा हैं, प्रबंधक और शिक्षक साथी हमारे, ये एक समस्या को लेकर के जिला अधिकारी महोदय के पास आए हैं। हम लोगों की पहली समस्या ये है कि 18 महीने से कोरोना के बहाने हम लोगों का स्कूल बंद है। इस पर सरकार हमारे शैक्षिक वर्ग को जरा से भी ध्यान नहीं दी है। सारे शैक्षिक कर्मचारी हमारे भुखमरी के कगार पर हैं। प्रबंधक, टीचर और प्यून स्टाफ हमारा एक एक रुपए के लिए मोहताज हो चुका है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हमारी सरकार जहां सब तरफ ध्यान दी है, हम सरकार की निंदा नहीं करते, लेकिन सरकार शिक्षा वर्ग पर कतई ध्यान नहीं दिया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। हम पहली मांग सरकार से करते हैं कि सरकार हमारे भुखमरी पर कगार पर जो पहुंचे अध्यापक बंधु, शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी बंधु, उनको कुछ ना कुछ कोरोना राहत कोष में से तुरंत देने का प्रयास करें। दूसरी मांग हमारी इस तरह से है कि अगर सरकार लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के विद्यालय बंद कर रखे हैं, तो हमारे यहाँ जो बिजली लगी हुई है कमर्शियल पर, उसका बिल क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, उसको तुरंत माफ़ करें। तीसरी मांग हमारी है, सरकार हम लोग विद्यालय चलाने के लिए वाहन विद्यालय ऋण पर लेकर के बनवाए हैं, वाहन चल रहे हैं, वाहन जो रुके हुए हैं उनका जो हमारा प्लांटी आ रहा है, जो परमिट है उसका, जो रोड टैक्स है उसको साल भर से हम लोगों का नाजायज जा रहा है, उसको माफ़ किया जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि सरकार से कि हम लोगों का अगर कुछ राहत नहीं दे पा रही है, तो हम लोगों का एक गाइडलाइन के तहत स्कूल खोलने का तुरंत आदेश करें, तब हम लोग कुछ जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो वास्तव में भुखमरी कगार पर हैं, मर जाएंगे। अगर आपकी ये प्रमुख मांगे नहीं मांगी गई तो क्या करेंगे? यदि हमारी सरकार मांग को नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है, आज वैसे हम 40 जिले से अपनी मांग पत्र के माध्यम से सरकार को भेजने का प्रयास किए हैं और अपनी दुख वेदना को बताने का प्रयास किए हैं। यह सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, तो मजबूर होकर के हम कर्मी कंसन और आमरण अनशन के लिए 31 तारीख के बाद तैयार हैं, जाएंगे।